साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रमोद टेक्निकल खेती। तो किसान साथियों, आज हमारे पड़ोसी अपने खेत में गन्ने की बुवाई करने जा रहे हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं गन्ना वैरायटी। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये गन्ना वैरायटी 15023 है, जो कि काफ़ी अच्छी गन्ना वैरायटी मानी जाती है। और किसान भाई ने दो आँख के टुकड़ों से गन्ने का बीज तैयार किया है। और किसान भाइयों, ये जो खेत आप देख पा रहे हो, इनमें सरसों की बिजाई कर दी गई है, उसके बाद गन्ने की बुवाई की जाएगी। तो किसान भाइयों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आपको वो भी दिखाया जाएगा कि किस विधि से इस खेत में गन्ने की बुवाई की जाएगी, क्योंकि ये जो हमारे किसान भाई हैं, ज़्यादा बड़े किसान नहीं हैं, लगभग 2-3 एकड़ गन्ने की बुवाई करते हैं। तो किसान भाइयों, पहले तो ये साधारण विधि से ही अपने खेतों में गन्ने की बुवाई करते थे, लेकिन मेरे कहने से ये पहली दफ़ा पेट्रो विधि से अपने खेत में गन्ने की बुवाई करेंगे। किसान साथियों, बहुत से क्षेत्रों में पेट्रो विधि को 2x4 भी कहा जाता है, जिसमें किसान साथियों 2 कुंड बोकर 1 कुंड खाली रखा जाता है, जिसमें निराई गुड़ाई जुताई में बहुत आसानी होती है। तो किसान भाइयों, आपको मैं दिखाता हूँ गन्ने की मोटाई व लंबाई। तो किसान भाइयों, आप देख पा रहे होंगे किस वैरायटी में गन्ने की मोटाई भी बहुत शानदार है, और किसान साथियों गन्ने की लंबाई भी बहुत अच्छी है। तो किसान भाइयों, बीज तैयार करने के बाद अभी ये बीज टीट भी किया जाएगा, वो भी आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार गन्ने का बीज टीट किया जाता है, कौन सी दवा से। तो साथियों, आप देख पा रहे होंगे काफ़ी स्वस्थ गन्ना किसान भाई लेके आए हैं, और साथियों ये दूसरे किसान से खरीद के लाए हैं। और भाइयों, ये जो बीज इनको गन्ने का उपलब्ध हुआ है, वो मिल रेट में ही किसान ने इनको उपलब्ध कराया है। तो किसान भाइयों, आप देख पा रहे होंगे काफ़ी स्वस्थ बीज है। और भाइयों, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके क्षेत्र में जो भी गन्ने की नई वैरायटी है, किसान भाई उस बीज को किस रेट में दूसरे किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। तो भाइयों, जैसा आप देख सकते हो, काफ़ी स्वस्थ बीज है। और किसान भाइयों, इसकी बहुत हमारे क्षेत्र में डिमांड भी है, क्योंकि साथियों ये जो बीज है काफ़ी अच्छा वेट भी देता है। किसान साथियों, फिलहाल में कोई बीमारी भी इस बीज में हमारे क्षेत्र में देखने को नहीं मिल रही। तो हमारे क्षेत्र में अब की दफ़ा सबसे ज़्यादा इसी गन्ना वैरायटी की बुवाई की जाएगी। और किसान साथियों, इस वीडियो के लास्ट में आपको एक वीडियो और देखने को मिलेगी, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि बहुत से किसान साथी बुवाई करने के बाद क्या कमी करते हैं। अगर आप भी उस कमी को करते हो अपने खेत में, तो किसान साथियों आप ऐसा ना करें। तो भाइयों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि साथियों उस वीडियो में मैं जो आपको दिखाऊंगा, दूसरे किसान भाई ने अपने खेत में साधारण विधि से गन्ने की बुवाई की है, और उन्होंने 0238 की बुवाई की है। तो भाइयों, आप देख पा रहे होंगे ये वो दूसरा खेत है जिसमें साधारण विधि से गन्ने की बुवाई कर दी गई है। तो किसान भाइयों, आप देख पा रहे होंगे कि किसान भाई इसमें अब रोटावेटर द्वारा नालियों को इकसार कर रहे हैं। तो किसान साथियों, इस वीडियो में दिखाने का यही एक उद्देश्य था, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये किसान भाई नाली में ही ट्रैक्टर के पहियों को चला रहे हैं, जिससे कि किसान साथियों काफ़ी गन्ने की जो कांची होती हैं किसान भाइयों, ख़राब हो जाती हैं। आप देख पा रहे होंगे कि साथियों, दोनों ही पहिए जो हमारी कांची बिछाई गई हैं नालियों में, उन्हीं के ऊपर आ रही हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो आगे को आप ऐसा ना करें, क्योंकि किसान भाइयों इससे हमारी उपज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि साथियों, बहुत गन्ने की आँख जो होती हैं ख़राब हो जाती हैं। तो किसान साथियों, वो जो पहली वीडियो थी, उसकी बुवाई आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगी। आज की वीडियो में इतना ही था, क्योंकि साथियों उस खेत में बीज तैयार करने में शाम हो गई थी, और अगले दिन सुबह को उसकी बुवाई की जाएगी। तो किसान भाइयों, वो वीडियो आपको
अगले दिन देखने को मिलेगी। तो किसान साथियों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जिन किसान साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथियों घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें। तो किसान साथियों, मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।